नेहा से भी थोड़ी सी खिचपिच हो जाती थी, लेकिन कभी मैं उसको काम बोलता तो मुझे मना नहीं करती थी. इट्स ऑल दैट आई गेव देम रिस्पेक्ट. मैं वैसे भी बहुत इज्जत करता हूँ खवातीन की, सही है. और अगर आप वाकई उन्हें इज्जत दें जो वो डिज़र्व करते हैं, अगर आप वाकई उन्हें समझें, एक मिस्ट्री है ना, एक औरत एक मिस्ट्री है, सही है. आपको समझने में कभी कभी आप समझ जाते हैं, कभी कभी सारी ज़िंदगी नहीं समझ पाते. खूबसूरत मिस्ट्री है. है ऐसी बिल्कुल, आप जो भी है खूबसूरत मिस्ट्री है बिल्कुल. लेकिन मैंने यही किया, सबके साथ मेरी बन गई थी. मैंने कोई, मैं कहूँगा कि मैंने गेम नहीं खेला. आई वॉज माई सेल्फ. जो मेरे करीबी लोग हैं, इवन आपके इस ऑफिस में भी मुझे बहुत टाइम से जानते हैं, महरीन है जो कि मुझे काफ़ी टाइम से जानती हैं, उनको पता होगा कि मैं जब शुरू में था और मेरे पूरे शो में जितने लोग हैं मेरे करीबी जो जानते हैं, उनको ये था कि मतलब मैं ऐसा ही हूँ जैसा मैं रियल लाइफ में हूँ. आई डू नॉट फेक एनी थिंग. हाँ, वो अलग बात है कि मुझे कुछ चीज़ें बहुत बाद में समझ आई, ठीक है. सबको ये लग रहा था कि मैं एक दो हफ्ते में वापस आ जाऊँगा, क्योंकि मैं ड्रामे का प्रोजेक्ट छोड़ कर आया था. और इवन जो जितने भी बड़े बड़े टीम के लोग थे, उनको यही लग रहा था, क्योंकि शुरू शुरू में मैं ऑब्जर्व ज़रूर कर रहा था, लेकिन मैं इतना प्रेशर था जो छोड़ के आए थे ड्रामे प्रोजेक्ट को छोड़ के आए थे, प्रेशर आ रहा था. प्रेशर था, लेकिन मैंने उसको, मैंने कह दिया था अब मैं यहाँ आ गया हूँ, अब मैं उसके बारे में नहीं सोचता. सही है, ठीक है. लेकिन अब मैं यहाँ क्या करूँगा. लेकिन दो हफ्ते के बाद जब मुझे पता चला कि पीपल आर एक्सपेक्टिंग अलॉट फ्रॉम मी, कि लोग आपको देखना चाह रहे हैं, लोग आपकी ये साइड देखना चाह रहे हैं, वो साइड देखना चाह रहे हैं, मुझे बहुत प्रोवोक किया. मुझे ऊपर से बोला गया कि देखो ये तुम्हें पता है कि जैनब के बारे में बातें हो रही हैं, यहाँ पे ये हो रहा है. मतलब आपस में ही ये होता था कि उसने जैनब के बारे में ये बोल दिया, उसने, मतलब मुझे प्रोवोक करना कि मैं जाऊँ और इस बात को रेज करूँ, या नेहा ने ऐसी बात बोल दी थी, या कुछ भी कह दिया था. मैंने कहा यार मैं किसी की प्रोवोक करने से जाके उसका गिरबान पकड़ लूँ या कुछ बोलना शुरू कर दूँ. मैंने कहा करूँगा मैं वही जो मुझे ठीक लगता है. मेंटली स्ट्रांग रहे. यस, जैनब बोले इशू तो गेम ऑफ, अगर मैं जिम भी करता हूँ तो जिम भी इट्स हेयर, आपके आपका एक मसल